श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि क्या आपको पता है कि जो हमारी फ़ोन की जो बैटरी होती है, इसकी जो बैटरी होती है वो कितना टॉक्सिक गैसें उत्सर्जित करती है। स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे उपकरणों में आग लगने और विस्फोट होने की घटनाएं होती रहती है अक्सर, लेकिन आप बेफिक्र होकर इसको साथ लेकर सोते भी हैं, तो इससे आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। इनसे दर्जनों खतरनाक गैसें निकलती हैं, इसे लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने लिथियम आयन बैटरियों से निकलने वाली 100 से ज़्यादा जहरीली गैसों की पहचान की। इमेजिन कीजिए, 100 से ज़्यादा जहरीली गैसें निकलती हैं। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी शामिल है। इसी वजह से आंखों, त्वचा और नाक में जलन की समस्या पैदा हो जाती है। यह पर्यावरण को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाती है। चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ एनबीसी डिफेंस एंड सिंगहुआ विश्वविद्यालय की रिसर्च के मुताबिक अभी भी बहुत सारे लोग स्मार्टफोन के ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होने या ख़राब चार्जर से चार्ज करने के खतरों को लेकर अनजान हैं। उन्होंने ये बताया है कि आजकल दुनिया भर की बहुत सी सरकारें लिथियम आयन की बैटरियों को ज़्यादा सक्रियता से बढ़ावा दे रहे हैं। लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल लाखों परिवार कर रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आम लोग इस ऊर्जा स्रोत के पीछे छिपे खतरों को समझें। बैटरियों में विस्फोट के खतरों से और उसके जो खतरे हैं उससे निर्माताओं को लाखों उपकरण वापस लेने को मजबूर किया है। डेल कंपनी ने साल 2006 में लाखों लैपटॉप और बैटरी में आग लगने की घटनाओं के बाद सन 2016 में सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 को अनेक उपकरणों को वापस लेना पड़ा, लेकिन जहरीली गैसों के उत्सर्जन और इसके उत्सर्जन के स्रोतों को अभी अच्छी तरह से समझा नहीं जा सका है। जो रिसर्च कर रहे हैं वो लोग उन कारकों को पहचान किए हैं जो जहरीली गैसों के उत्सर्जन की मात्रा को बढ़ावा दे सकते हैं। इसे उदाहरण के तौर पर एक पूरी तरह से चार्ज बैटरी करीब 50% चार्ज बैटरी मुकाबले ज़्यादा टॉक्सिक गैस उत्सर्जित करती है। तो बैटरी में शामिल रसायन और उनके चार्ज रिलीज करने की क्षमता भी जहरीली गैसें छोड़ने की जो मात्रा है और जो असर है वो हम पे असर डालती है। तो इस अध्ययन के करीब जो पता चला है ये कि 20,000 लिथियम आयन बैटरियों को दहन के बिंदु तक गर्म किया गया था पूरी रिसर्च में, तो इससे कई उपकरणों में विस्फोट हुआ है और सभी में एक रेंज तक टॉक्सिक गैसों का उत्सर्जन हुआ है। तो जब इसको चार्ज कर देते हैं, कहीं भी रख भी देते हैं, तो जो उत्सर्जन की जो क्रिया है वो उत्सर्जन की क्रिया जारी रहती है धीरे 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 धीरे, और वो हमें नुकसान करता है। तो भूल कर भी कम से कम जब आप सो रहे हैं तब तो फोन को अपने पास रखें ही नहीं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।